खबर सहारनपुर से है, जहां वुड कार्विंग निर्यातकों ने निर्यात उत्पाद दरों पर शुल्क और करों में छूट वृद्धि की मांग की है। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट को दिए गए ज्ञापन में वुड कार्विंग निर्माताओं ने कहा कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने वुड कार्विंग समेत विभिन्न निर्यात उत्पाद दरों पर शुल्क और करों में छूट की घोषणा की थी, जिसके अंतर्गत आरओडी टीईपी योजना में केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्क में निर्यातकों के लिए छूट का प्रावधान है। लेकिन इस योजना से निर्यातकों को अभी तक कोई छूट नहीं मिली है, जिस कारण निर्यातकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। पत्रकारों से वार्ता के दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आईआईए रामजी सुनीचा ने बताया कि अपनी समस्याओं को लेकर उनके द्वारा पहले भी सांसद फजल उर रहमान को ज्ञापन सौंपकर अवगत करवाया गया था, बावजूद इसके उनकी समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत सहारनपुर जनपद से वुड कार्विंग चुना गया था, परंतु वुड कार्विंग से जुड़े निर्माताओं और कारीगरों की समस्या का अभी तक ठोस समाधान नहीं हुआ है, जबकि ये कुटीर उद्योग महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों समेत 70 लाख से अधिक कारीगरों को रोजगार प्रदान करता है। उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जल्द ही वुड कार्विंग निर्यातकों की समस्याओं का निस्तारण नहीं किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। आज जो है प्रेस वार्ता, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को जो इंसेंटिव मिल रहा था वो इंसेंटिव सरकार ने WTO में कम्पेटेबल न होने की वजह से वापिस ले लिया, जो एक उचित उनकी बात थी जिसको हम सब लोगों ने एक्सेप्ट किया। ये 31 दिसंबर 2020 की बात है। तब सरकार ने हमें ये भी आश्वासन दिया कि हम आपको जो आप टैक्सेस दे रहे हैं, जो आप ड्यूटीज़ दे रहे हैं, वो आपको रीएम्बर्स करेंगे। लेकिन बहुत समय बीत जाने के बाद भी जब सरकार ने ये नहीं दिया, हम लोगों ने, एक्सपोर्टर्स ने और हमारी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस ने और सहारनपुर की हैंडीक्राफ्ट की जो एसोसिएशन है जिसकी गुड्डू भाई महासचिव है उन्होंने, और क्लस्टर जो बनने जा रहे हैं उन सब ने, हम लोगों ने मिलकर जब सरकार से बात की, EPCI ने जब प्रेशर डाला तो उन्होंने इसका अनाउंस तो किया, लेकिन वो सिर्फ 0.3% 1.2%, वो इतना नेग्लिजिबल है कि उसको मिलने या ना मिलने का कोई औचित्य या कोई लाभ नहीं है। जबकि हमारा सिंपल ये कहना था कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो टैक्स हम दे रहे हैं, जो हमारा अधिकार है, वो हमें वापस लेना है।